हेलो एवरीवन, मैं भानु कुमार, वेलकम बैक टू माय कलरफुल लाइफ चैनल। कैसे हो आप सब? तो गाइस, आज जो है इस वाले मेकअप लुक का जो है ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। बहुत ही फन मेकअप है और साथ ही साथ कुछ बातें भी करेंगे। लेकिन उससे पहले गाइस, जो भी मेरे चैनल के साथ न्यू लोग जुड़ रहे हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए गाइस, अब ट्यूटोरियल पे चलते हैं। तो गाइस, यहाँ मैं जो है जॉनसन बेबी ऑयल यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा ऑयल है। तो आप इसे एज अ फेशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, एज अ मसाज ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छा जो है बेनिफिट देता है आपकी स्किन को और साथ ही साथ हेयर्स को भी। तो अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हो तो गाइज़, आप इसको यूज़ करके देखो, बहुत ही अच्छा जो है ये रिज़ल्ट देता है। और अगर आप इसको डे टाइम में यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप इसको रात के वक्त यूज़ कर सकते हो, तो बहुत ही जो है अच्छा रिजल्ट देगा आपको। सुबह उठते हुए जो आपकी स्किन है बिल्कुल ग्लोइंग लगेगी, चमकदार लगेगी और हेल्दी लगेगी, हाइड्रेट लगेगी। उसके बाद जो है गाइज, मैं यहाँ जॉनसन बेबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। और ये जो ये वाली क्रीम है ना गाइज, ये बहुत अच्छी क्रीम है। 24 आवर्स तक जो है आपकी स्किन को हाइड्रेट रखती है। तो समर टाइम में अगर आपकी स्किन मेरी तरह है, सुपर डुपर ड्राई है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो इस क्रीम को। तो जॉनसन के जो प्रोडक्ट्स है ना गाइज, बहुत अच्छे होते हैं और हर किसी को जो है सूट हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी स्किन टाइप का हो। तो आप जो है इस तरह की कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, इस तरह के कोई प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हो जो आपकी स्किन को नेचुरली नेचुरली ग्लोइंग बनाए, हेल्दी बनाए और साथ साथ आपकी स्किन को हाइड्रेट रखे, मॉइस्चराइज रखे 24 आवर्स तक वो भी, तो जॉनसन बेबी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे, बहुत बेस्ट है। तो गाइस, प्राइमर की जगह जो है मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। और एलोवेरा जेल ये जो मेरे पास है एल्प्स गुडनेस ब्रांड का है, बहुत अच्छा ब्रांड है गाइस ये। तो आप कुछ नेचुरल प्रोडक्ट कुछ ढूंढ रहे हो तो एलोवेरा जेल आप इसका ट्राई कर सकते हो, एल्प्स गुडनेस का, बहुत ही अच्छा ब्रांड है ये। तो प्राइमर ज़रूरी नहीं है गाइस आपके पास प्राइमर ही अवेलेबल हो, अगर आपके पास प्राइमर नहीं भी है तो आप एलोवेरा जेल उसकी जगह यूज़ कर सकते हो, तो आपको सेम ही इफ़ेक्ट उसका मिलेगा। तो अच्छी तरह से मैंने अपने फुल फेस पे इसको अप्लाई कर लिया है। आप जो है गाइज, मैं यहाँ पे पॉन्ड्स बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप बीबी सीसी जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप फाउंडेशन ही यूज़ करो, फाउंडेशन की जगह आप बीबी सीसी भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये सेम ही कवरेज देती है। तो ये जो पॉन्ड्स बीबी क्रीम है ये समर टाइम के लिए बहुत बेस्ट है, ये फुल कवरेज देती है और साथ ही साथ जो है इसमें जो है 30 SPF मिला हुआ है, तो उस हिसाब से भी बहुत अच्छी है। तो गाइज, इसको जो है मैं हाथों से ही ब्लेंड कर लूँगी। और गाइज, आप एक बात नोटिस करना ना, जैसे हम अपना स्किन केयर जितना अच्छा करते हैं ना, हमारा जो बेस है वो उतना ही निखर के आता है। ये बात आप खुद आजमा के देखना और मुझे कमेंट करके बताना क्या ये सच है जो मैं आपके साथ बोल रही हूँ, या आपको लगता है कि नहीं यार ये सिर्फ बकवास है, ये सिर्फ बोलने के लिए है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह का हम स्किन केयर करते हैं ना अपनी स्किन पे, तो उसी तरह का जो है हमारा बेस निखर के आता है। अगर हमने स्किन केयर अच्छा किया हुआ होगा तो हमारा जो बेस है वो बहुत अच्छे से आता है, चाहे आप फाउंडेशन लगाओ, चाहे आप बीबी क्रीम लगाओ, चाहे आप सीसी क्रीम लगाओ, तो मुझे ऐसा फील होता है। तो गाइस, आप मुझे कमेंट करके बताना कि ऐसा है भी या मुझे ही ऐसा लगता है। गाइस देख सकते हो, बहुत ही नेचुरली जैसा जो बेस है वो निखर के आया है। और बहुत ही जो मैंने अभी तक हाइलाइटर बिल्कुल यूज नहीं किया है, लेकिन आप देख सकते हो मेरे नोज चिन एरिया वगैरह, सॉरी चीक एरिया वगैरह की बहुत ज्यादा हाइलाइटेड हो रहे हैं। तो वो इसी वजह से, क्योंकि जो हमने स्किन केयर किया तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारी स्किन ने जो मॉइस्चराइज हुई, उसी वजह से जो है ये जो पूरा ग्लो आप देख रहे हो ये होके आया है। तो अब जो गाइज, मैं इसे सेट करने जा रही हूँ। तो सेट करूंगी मैं इसको मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट के साथ, क्योंकि मुझे बिल्कुल ड्यूई सी अभी फिनिश नजर आ रही है अपने बेस की। तो ये जो कॉम्पैक्ट है ये बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है और ये मैट फिनिश आपको प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए मैं इसको यूज कर रही हूँ। और गाइज, मुझे ना एक बात ये भी बताना कमेंट करके कि जैसे कि मैं यहाँ पे मैट फिनिश, मतलब मैट कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, तो आपको क्या लगता है कि जो ड्राई स्किन वाले हैं उनके ऊपर क्या जो मैट फिनिश अच्छा लगता है या नहीं लगता है? ये मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपको मैट
मतलब जो अगर आपकी ड्राई स्किन है और आपको क्या मैट फिनिश अच्छा लगता है या नहीं लगता है, या आपको वो ड्राई स्किन पे डूई फिनिश जो आता है ना, मतलब बिल्कुल ग्लोइंग ग्लोइंग सा, वो अच्छा लगता है। तो गाइज आप देख सकते हो फर्क, अब बिल्कुल मैट हो चुका है हमारा फेस वो इसी कॉम्पैक्ट की वजह से। इवन शाइन अभी भी है, शाइन अभी भी आपको नजर आ रही है, लेकिन उतनी शाइन अब नहीं है जितनी पहले नजर आ रही थी, वो सभी इस कॉम्पैक्ट का कमाल है। गाइज आईब्रोज मैंने ऑफ कैमरा फिल कर ली थी, और इसके ऊपर भी जो है मैंने पूरा ट्यूटोरियल वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरह से आप अपनी नेचुरल आईब्रोज फिल कर सकते हो। तो जो है मैं यहाँ आई बटन पे जो है उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप आई बटन से उसे देखो। और चलिए गाइज अब आगे का मेकअप करते हैं। तो मैं जो है यहाँ पे ज्यादा कुछ यूज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ सिंपल सा आई शेडो लगा रही हूँ। और जो है मेरे पास बहुत ही प्यारा सा कॉम्पैक्ट है, ये है, सॉरी कॉम्पैक्ट नहीं, मेरे पास बहुत ही प्यारा सा पैलेट है, मेबलिन पैलेट, और ये बहुत ही सुंदर है। कलर्स है इसमें बहुत ही प्यारे से शेड है, तो इसमें से जो है मैं ये वाला शेड पिक कर रही हूँ, ये गोल्डन कलर का शेड है, बहुत ही प्यारा सा शिमरी शेड, और इसे जो है मैं फिंगर की हेल्प से ही लगा लूंगी गाइस, तो बिल्कुल नेचुरली से लगेगा और बहुत ही अच्छा भी लगता है और सिंपल भी है, करने में आसान भी है, तो बहुत ही ईजी है। जस्ट आपको जो है कलर पिक करना है गाइस, और इजीली अपनी आईज पे जो है उसको फिल करके फैला देना है, बस बहुत ही नेचुरल सा फिनिश आता है। दैट्स इट, मैं इतना ही लगाऊंगी, ज्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं बिल्कुल नेचुरल रखना चाहती हूँ। तो गाइज इस तरह के पैलेट आप यूज कर सकते हो, ये काफी अच्छे होते हैं, बजट में भी होते हैं और ट्रैवल फ्रेंडली भी होते हैं, और काफी जो है यूजफुल भी होते हैं नेचुरल और डेली वेयर के लिए, तो इनको कैरी भी किया जा सकता है, तो कहीं भी जाके ले जा सकते हो और कहीं भी इसको यूज कर सकते हो, बहुत ही टीनी मीनी सा है। तो अब जो है गाइज मैं आईलाइनर यूज, और मेरे पास आईलाइनर जो है वो NYB का है, बहुत ही अच्छा लिक्विड आईलाइनर है, बिल्कुल जेड ब्लैक है, तो ये वाला, तो मैं सिंपल सा विंग आईलाइनर क्रिएट करूंगी, ज्यादा नहीं कुछ तामझाम क्रिएट करूंगी। अच्छा गाइज आईलाइनर से एक बात बताना, मेरे साथ है कि अगर एक बार ही मैंने लगा दिया आईलाइनर तो बिल्कुल ठीक लग जाता है, मतलब अगर ठीक लग गया तो अच्छा लग जाता है, और अगर खराब हो गया बाय मिस्टेक, किसी भी आंख का, चाहे राइट आई का चाहे लेफ्ट आई का, अगर गलती से खराब हो गया तो वो खराब ही होता है, वो फिर ठीक नहीं लगता है। तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं होता है। तो गाइज एक चीज और भी है कि मुझे, मेरे नोन है, तो जब भी मुझे कोई आईलाइनर लगाते हुए देखता है तो वो हमेशा ये बोलता है कि तुम हम ना गलत टेक्निक यूज करते हो, कि जो विंग आईलाइनर है वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ खत्म होता है, और तुम यहाँ से उसे शुरू करके यहाँ खत्म करते हो। तो मैं ये सोचती हूँ गाइज मेरा हाथ जिस चीज के लिए बैठा हुआ है मैं वही यूज करूंगी, वही स्टाइल रखूंगी मैं, मेरे हिसाब से कोई राइट या रॉन्ग टेक्निक नहीं होती है, जिस चीज पे आपका हाथ बैठ जाए वही राइट टेक्निक होती है आपके लिए, और हो सकता है मे बी कि वो राइट टेक्निक हो बट मेरे से वो नहीं होता है, और मतलब कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी नहीं होता, बट मुझे नहीं लगता कि कोई राइट और रॉन्ग टेक्निक होती है जिस चीज पे आपका हाथ बैठ जाए। हाँ अगर वो सही है और आपका हाथ उस पर बैठा हुआ है तो वो सही है, बट अगर आपका हाथ गलत टेक्निक पे बैठा, मतलब गलत चीज आप कर रहे हो और उस पर आपका हाथ बैठा हुआ है, तो वो रॉन्ग होगी। तो मैं नहीं समझती हूँ कि ये कुछ भी रॉन्ग है, क्योंकि मेरा विंग आईलाइनर कभी भी खराब नहीं बनता है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी जो ये वाली टेक्निक है वो गलत है। मैंने दोनों आईलाइनर जो है वो फिल कर लिए, और अब जो है मैं मस्कारा यूज कर रही हूँ, और ये पेपर कर्ल मस्कारा है मेबलिन का। तो गाइज अब जो है मैं सोच रही थी कि जो है ना ये वाटरप्रूफ मस्कारा है, तो मैं सोच रही थी एक मेरे पास ना नॉन वाटरप्रूफ भी होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स मुझे जो है ये निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लग गई है,
और मेरी जो आई लैशेज है ना गाइज वो नेचुरली बढ़ी है। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो अगर ऐसा है कि हमने कहीं जाना है दूर के लिए जाना है तो वाटर प्रूफ ठीक है, ये वाला मस्कारा मेरे ख्याल से ठीक है। ठीक है, क्योंकि आपके जो आंख है उस पे वो सुबह से लेकर शाम तक कहीं आप जा रहे हो या कुछ कर रहे हो तो वो लगा भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यार आपने घर में रहना और थोड़ी देर के लिए वीडियो बनाना है और उसके लिए लगाना है और फिर वो निकालना है, मतलब लगाना है फिर निकालना है थोड़ी देर के बाद, तो उसके लिए मैं सोच रही थी कि मैं नॉन वाटर प्रूफ मस्कारा लूँ। तो मैं सोच रही थी क्या मैं मेबलिन ट्राई करूँ, क्योंकि मेबलिन का ही जो मस्कारा है वो अच्छा होते हैं, मस्कारा बहुत बेस्ट है उनके, मेबलिन के, और मेबलिन के और भी प्रोडक्ट्स बहुत बेस्ट है बट मस्कारा बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं सोच रही थी नॉन वाटर प्रूफ भी में क्या मैं मेबलिन ही लूँ या कुछ कम मैं ट्राई करूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा पैसे नहीं लगाना चाहती थी सच बोलूँ तो। पहले मैं सोच रही थी ब्लू हेवन का भी मैंने देखा और अगर उससे सस्ता भी मुझे कोई मिल जाए, चीप भी मिल जाए तो मैं वो भी ट्राई करने के लिए रेडी हूँ। अगर अच्छी अच्छी चीज मिल रही है तो वाई नॉट, किया जाता है, पैसे तो लगाने ही है। तो वो सोच रही थी मैं, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो प्लीज, तो गाइज अब जो है मैं यहाँ ब्लशर यूज कर रही हूँ। तो ब्लशर में आपको पता है कि मैं स्विस ब्यूटी का ऑल अबाउट पैलेट ही यूज करती हूँ। ये बहुत ही क्रीमी मैट फॉर्मूला लिपस्टिक्स है और बहुत प्यारा पैलेट है गाइज, बहुत ही प्यारे प्यारे आपको शेड मिल जाएंगे इसमें। तो ट्रेंडी शेड्स है सारे, न्यूड, ब्राइट रेड, मैरून, मतलब इस तरह के शेड्स है। तो 10 शेड्स आपको एक ही पैलेट में मिल जाते हैं। तो मैं जो है इससे जो है मतलब लिपस्टिक और ब्लशर का काम इसी से कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक कोई भी ब्लशर पसंद नहीं आ रहा और मैं सोच रही थी कोई अच्छा सा ब्लश लूँ। तो अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा लूँ और मैं बहुत टाइम से कन्फ्यूज हूँ और मैं ले पा रही हूँ। तो बस वही है कि यही चला जा रहा है, यही चला जा रहा है। तो ठीक है, चल रहा है, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं है। तो गाइज आप मुझे बताना कि जो जो भी मैंने क्वेश्चन किया है आईलाइनर से रिलेटेड और मस्कारा रिलेटेड, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके आंसर जरूर करना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और इस तरह की वीडियो जो है मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, इवन इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है मेरे अभी तक और फिर भी मैं बना रही हूँ। तो देखते हैं कि क्या जो है इसको जब ये मैं अपलोड करूँगी तो उसके बाद क्या जो है आउटपुट आता है तो बस वही है। तो गाइज इसी पैलेट में से जो है मैं आज कुछ अच्छा सा शेड लगाते हैं, तो मैं ये वाला शेड पिक कर रही हूँ तो लिप्स के लिए। और मुझे ये वाला शेड भी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर लगा। मैंने एक बार ही इसको लगाया था तो बहुत ही प्यारा लगता है ये लगाने के बाद। तो मैं पेंसिल ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ गाइज इसको। तो गाइज अगर आपको लिपस्टिक लगाना ना बहुत मतलब झमघट का काम लगता है तो या तो आप पेंसिल ब्रश खरीद लो या तो आप लिप लाइनर खरीद लो। पहले अपनी आउटलाइन बना लो और उसके बाद जो है लिपस्टिक फिल करो, बिल्कुल परफेक्ट लिपस्टिक लगता है। तो मैं भी इसी तरह से करती हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिपस्टिक अप्लाई नहीं कर सकती हूँ, ये तो चलो पैलेट है। वैसे भी जो बुलेट लिपस्टिक या मैट लिपस्टिक या मतलब लिक्विड लिपस्टिक होती है, जो भी होती है, तो उसको मैं अगर डायरेक्ट लगा लूँ तो हमेशा कहीं ना या तो बाहर निकल जाएगी या तो गलत लग जाएगी। तो इसीलिए पहले जो है मैं लिप लाइनर यूज़ कर लेती हूँ और जब इस पैलेट को यूज़ करती हूँ तो मैं ब्रश की हेल्प से ही करती हूँ। इस तरह से आप भी लिपस्टिक यूज कर सकते हो, बहुत इजीली फिल हो जाती है और हमारी जो शेप है वो भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि लिप लाइनर और जैसे लिप पेंसिल वगैरह या लिप ब्रश जो भी आप बोलो इन्हें यूज कर तो हमारी जो लिप की शेप है वो बहुत अच्छी तरह से उभर के आती है और लिपस्टिक भी बहुत अच्छी तरह से फिल हो जाती है। तो आप इस फॉर्मूला को जरूर ट्राई करना अगर अभी तक आपको लिपस्टिक लगाने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। तो गाइज दिस इज द फाइनल लुक। तो एवरीडे बेसिस पे आप इस तरह का मेकअप लुक कर सकते हो, बहुत ही इजी भी है और जल्दी जल्दी हो सकता है, बहुत कम प्रोडक्ट यूज होते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट और लुक के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।